उगाकर खड़ा हुआ है और वो परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। तो यहाँ कलयुग भगवान से कहता है, अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ और कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर क्रुद्ध होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कलयुग जो है भगवान को मॉक कर रहा है और भगवान से कह रहा है कि इस बार मैं पूरे स्ट्रेंथ के साथ आया हूँ, मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ, इस बार मुझे टाइम नहीं लगेगा आपकी पूरी सृष्टि का विनाश करने में। आगे कलयुग भगवान से कहता है, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर त्रिश फले, चाहता हूँ इस धरती के हर मानव के हृदय में छल फले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझे मार दो, मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, हर हृदय में मैं बसा हूं, बात तुम ये जान लो। यहाँ कलयुग की ऑडेसिटी देखने लायक है, भगवान को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है, हर हृदय में मैं बसा हूं, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं, मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो। अब तुम्हारे भक्त ही धुर विरोधी हो गए हैं, अब तुम्हारे संत जन विकट क्रोधी हो गए हैं। यहाँ कलयुग भगवान को बोल रहा है कि जो आपने ये बड़ा महाभारत का युद्ध किया धर्म और अधर्म के बीच, वो क्यों किया? What was the battle really about? The conflict between धर्म and अधर्म। और हम उसमें देखते हैं कि धर्म की विजय हुई क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो कोई भी इंसान भगवान के बिना कुछ नहीं है, पर यहाँ पे कलयुग को लग रहा है कि मैं हूँ उसकी, मैं पूरी ईगो है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो जो भगवान को कहना चाह रहा है कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। कह रहा है यहाँ पे भगवान बहुत क्लियरली कि तुम्हारे जो भक्त हैं, तुम्हारे जो संत हैं, वो बेहद अकड़ में आ गए, मेरी पकड़ में आ गए, वो सब करप्टेड हो चुके हैं। तो इस बार तो तुम्हें अपनी सृष्टि को बचाने के लिए सबसे पहले अपने भक्तों का, अपने संतों का विनाश करना होगा। लेकिन उस टाइम पे भगवान ने अपनी सृष्टि को बचाने के लिए धर्मी लोगों को रखा जो आगे सृष्टि को चलाएंगे, पर इस बार कलयुग कह रहे हैं कोई है ही नहीं अच्छा, कोई यहाँ धर्मी है ही नहीं, यहाँ सब अधर्म कर रहे हैं, भक्त से लेकर सारे संत। जब संत ही खराब हो जाए तो भक्त कैसे होंगे? यही हमारी कंट्री के लिए समय हालत है। तो आगे वो भगवान से कलयुग कहता है, मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का, अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका रावण, बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हट तुम्हें बस्ती में सबके सामने। पूरा कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कहने को, उसे लग रहा है उसे कोई हटा ही नहीं सकता। यहाँ वो भगवान को बहुत क्लियरली बोलता है कि जो गलतियां रावण कंस और दुर्योधन ने करी वो गलतियां मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ, मैं पूरे स्ट्रेंथ के साथ आया हूँ। वो पूरे मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास आए तो दुर्योधन ने उनको माया भी कह के ही श्रग्ड ऑफ द एंटायर नैरेटिव। तो उन लोगों ने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं कि तुम भगवान थे, इसीलिए तो वो तुमसे आराम से हार गए। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि तुम भगवान हो, मैं अपने आप को वैसे प्रिपेयर करके आया हूँ, इस बार सारे तुम्हारे भक्तों को सबसे पहले मैं खराब करूंगा, तुम्हारे लोगों को खराब करूंगा, बताओ क्या कर लोगे। आगे वो इसीलिए भगवान से कहता है, रावण कंस और दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे मेरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे, मैं नहीं ऐसा कि छोटी बात कर जाऊं, मैं बड़ा होशियार छोटी बात कर जाऊं। भगवान से कह रहे हैं यहाँ पे वो
कि जो रावण, कंस और दुर्योधन जैसे योद्धा थे, छोटी छोटी बातों पे अड़ गए। भगवान यही तो बोले थे ना, पांडवों को लैंड दे दो, थोड़ी सी उनको रहने दो, सुख से करते हैं, बैटल नहीं करते हैं। पर दुर्योधन नहीं माना, कंस नहीं माना, रावण नहीं माना, तो छोटी छोटी बातों पे अड़ गए। छोटी छोटी चीजों को लेकर अपना ईगो बड़ा बनाकर उन्होंने भगवान से पंगा ले लिया। तो यहाँ पे वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कलयुग भगवान को कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोटी बातों को नहीं पकड़ के बैठूंगा, मैं खोटी बात पर जाऊंगा। आगे भगवान से कहता है, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। इंडीड, बहुत सही बात बोली है यहाँ पे कलयुग ने, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। आगे वो भगवान से कहता है, मैंने सुना है तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की तन मन और आत्मा सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को तार रहे मुझसे भी आकर लड़ रहे थे, अब मनुज के हर तन हर आत्मा में मेरा दास है, अब मनुज का हर मन हर तन मेरा दास है, काटना है मुझको तो पहले इन्हें तुम काट दो, नष्ट करना चाहो तो पहले इनका नाश करो। और क्लियरली बोलना भगवान से, इस बार तो पूरा मैंने अपने कलयुग के बच्चों को समझा दिया, तो सब मेरी पकड़ में, हर तन उनका मन उनकी आत्मा सब कुछ मेरी है, वो तुम्हें याद भी नहीं करते। ये कलयुग का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए भगवान को बार बार चुनौती दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग को वो स्ट्रेंथ हमने ही दी है। आगे वो भगवान से कहता है, तुम बड़े धर्म रक्षक सत्यवादी सृष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम भी केवल इष्ट थे, अब नहीं मैं सत्सवर के रूप धर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख कर घूमता हूँ, मैं कली हूँ आचरण मेरा तुरंत धारण करो। यहाँ पे हमको बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है, यहाँ कलयुग बार बार बोल रहा है भगवान से, उसकी इतनी स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही, क्योंकि वो भगवान को बोल रहा है कि तुम्हारे लोग तुम्हें याद नहीं करते, वो सब तुम्हें भूल चुके हैं। लेकिन अभी हमारे जनरेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे भगवान को मान लें? कहाँ लिखा है भगवान है, कहाँ कहाँ से हम देखें भगवान को? दिखते ही नहीं है तो हम क्यों माने? साइंस है हमारे पास भाई, हम साइंटिफिक लोग हैं, हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास रीजन है, ऐसी ऐसी चीज़ों से एक्सक्यूज कर देते हैं सारी बातों को, पूरे नैरेटिव को श्रग ऑफ कर देते हैं हमारी जनरेशन के लोग। पर यहाँ उन सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है, जो साइंस हमारे पास है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के पास बिल्कुल वैसे ही प्योर फॉर्म में हो जैसे वो हमारे पास है? पॉसिबल है क्या ऐसा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो शायद यही प्रॉब्लम अभी भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपने एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं किया, आपका एग्जिस्टेंस एक टाइम पे नहीं था। अगर आपके रिकॉर्ड्स, आपकी साइंस, आपके एक्सपेरिमेंट्स आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के पास वैसे प्योर फॉर्म में नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं होगा ना कि आप कभी इस युग में जिंदा थे, आपका एग्जिस्टेंस था, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब आप कहते हैं कि भगवान नहीं है? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना खुद का फेस इमेजिन करने की कोशिश करिए, आप अपना खुद का फेस इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ये है हम लोग, ये है इंसान, उसके पास क्या है? हम सोचते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, फिर क्या है हमारे कंट्रोल में? जब आप अपनी आंखों से खुद की शक्ल इमेजिन नहीं कर सकते, तो आप भगवान को कैसे देख सकते हैं जब हम इतनी माया रूपी चीज़ों के आसपास इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं? हाउ कैन यू पॉसिबली थिंक कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है? अर्जुन जैसा इंसान जिसने अपने धर्म के काम किए, उसको तक तो भगवान ने डिवाइन आई स्थिति खुद को देखने के लिए, फिर हम लोग तो पूरे दिन गलत काम करते हैं। कैन यू थिंक कलयुग का प्रभाव? तभी कलयुग को इतनी स्ट्रेंथ है, भगवान से इतनी ऑडेसिटी से बात करने की कोशिश कर पा रहा है। आगे भगवान उसकी सारी बातें सुनते हैं, भगवान जैसे सबकी बातें सुनते हैं, एक
एक कनेक्शन होता है हर एक इंसान का भगवान के साथ, भगवान बीइंग भगवान। तो इसी तरीके से भगवान ने कलयुग की भी बात सुनी है। कलयुग भी भगवान के बच्चा है, राइट? हम सब भी भगवान के बच्चे हैं, भले ही कलयुग के प्रभाव में, पर कलयुग भी भगवान के बच्चे। तो सारी बातें बहुत अच्छे से सोच समझ के भगवान ने अब कलयुग को उत्तर में क्या दिया वो देखते हैं। अब भगवान कहते हैं, तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा, तेरी हृदय की वेदना को मैं मन ही मन गुनता रहा, है बहुत सक्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तू बंद करना है सबके रास्ते, मुझको चुनौती देकर तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है और ज्ञान होना चाहता है, तू समय का मात्र विवाद और प्रतिवाद है, तू स्वयं ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है, तू स्वयं विश्व का गोपाल कहलाना चाहता है, तू स्वयं को रावण और कंस से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को शक्तिशाली योद्धा मानता है। तो अभी यहाँ पे भगवान क्लियरली कलयुग को कह रहे हैं, देख कलि, तेरे बस में कुछ नहीं है, इस बात को तू जितना जल्दी समझ सकता है समझ। अब जो कलयुग है, इसकी जो कॉन्शियसनेस है, इसका जो आई है, इसकी जो मैं है, वो सबसे ज्यादा बड़ी है। हम सबके साथ भी यही प्रॉब्लम है, हम अपनी आई की कॉन्शियसनेस के बाहर नहीं निकल पाते। तो अब यहाँ पे भगवान कलयुग को उसका स्टेटस को दिखाने के लिए समझाते हैं कि भाई कलि तू है क्या, व्हाट आर यू रियली। तो भगवान अब यहाँ पे कलयुग को बोलते हैं, जो बीत गया तू ऐसा कल है, या आने वाले कल का छल, मैं वर्तमान का महाराग, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल, तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाले कल की चिंता, मैं वर्तमान आनंद क्षण, ये विश्व मुझी से खिलता है, तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनके आता हूँ, तेरी कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ, तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ, तू शंका की महाधुंध, मैं समाधान की लाली हूँ। अभी तक तो क्या हुआ कि भगवान ने जितने भी अवतार लिए वो सारे लविंग अवतार थे। भगवान श्री राम के रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, और बहुत प्यार प्यार से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, और लोगों ने उनकी बात समझी भी है, और आज तक उनकी पूजा होती है। आज तक भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की पूजा होती है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस कलयुग के टाइम पे मैं कली बन के आऊँ, कलकी बन के आऊंगा। कहते हैं कि कलकी भगवान जो होंगे ना, वो एक हॉर्स पे बैठे होंगे और उनके पास एक तलवार होगी और उस तलवार से सारी दुनिया का नाश कर देंगे। इसीलिए भगवान बोलते हैं, कल की बातें करता है, मैं कल की बन के आता हूँ, तेरी कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। अब दूसरी प्रॉब्लम कलयुग के लोगों के साथ क्या है, हम कल में बहुत रहते हैं, फ्यूचर टेंस बनाया हुआ है हमने पूरा, फुल फ्लेच प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सर कुछ पता ही नहीं है, कुछ वैसे ही अपने कंट्रोल में तो है नहीं, कल की बातें पूरी करते हैं। तो यहाँ भगवान अब कलयुग को बताते कि कल का मतलब क्या है। भगवान कहते हैं कलयुग को, कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब ग्लानी है, कल का मतलब जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो पास नहीं, क्या कल कभी किसी को मिलता है, मिलता है क्या, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा का, कल तो बस उसकी बेकारी है, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कलयुग तू एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। आगे भगवान कलयुग से कहते हैं, कली अभी तू बच्चा है, कली अभी तू बच्चा है, तू वीर नहीं बस कच्चा है, चल तुझको आज बतलाता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की सत्ता हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ, जब सत्य
सत्य जागता है मुझ में, तब सतयुग नाम धराता हूँ। जब श्री राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। जब आनंद मग्न होता हूँ तब शिव शंभु कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव का डमरू, मैं ही बंशीधर का गान, मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण। तू रावण का कोलाहल है या कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजयनाथ, मनुज हृदय की जय जयकार। तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप मैं ही प्रचंड, मैं ही अकार मैं ही बकार, मैं धुआधार मैं ही सकार, मैं लुप्तकार मैं चमत्कार, निर्बल कमान मैं ही यजान, मैं आन बान सारा जहान। ये सब सुन सुन के कलयुग इज टेरराइज्ड, लेकिन भगवान अभी भी नहीं रुकते। भगवान आगे कलयुग को कहते हैं, मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पन्हारिन और पनघट, मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की चटकन, मैं अर्थमान मैं धर्ममान, मैं कर्ममान मैं मोक्षमान, मैं ज्ञानवान विज्ञानवान, मैं ध्यानवान मैं कृपानिधान। धर्म भी मैं हूँ कर्म भी मैं हूँ, इस जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ, जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ, चाह भी मैं हूँ वाह भी मैं हूँ, इस जीवन की आह भी मैं हूँ, तन भी मैं हूँ मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ, मान भी मैं हूँ आन भी मैं हूँ, इस जीवन की शान भी मैं हूँ, दान भी मैं हूँ ज्ञान भी मैं हूँ, इस जीवन का अभिमान भी मैं हूँ। भगवान अभी भी नहीं रुकते, आगे भगवान कलयुग को बताते हैं, जीत भी मैं हूँ हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ, संत भी मैं हूँ अंत भी मैं हूँ, आदि और अनंत भी मैं हूँ, इस जीवन की भूख प्यास भी मैं हूँ, इस जीवन का विश्वास भी मैं हूँ। तू पार ना खुद से पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि के कुछ ना जाएगा। इतना कुछ भगवान ने कह दिया, ये सब देख कर, ये देख कली का दिल डोला, ये देख कली का दिल डोला, ये देख कली विचलित बोला, मैं थम धमाथम अधम नीच में पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हति मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्याभाचारी, हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस की इस कालिख को स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। यहाँ पे जो कलयुग है भगवान से कह रहा है, मेरे अंदर मैं इतना पोल्यूटेड हूँ, अंदर से मैं इतना करप्टेड हूँ कि भगवान मेरी जो अंदर की कालिख है इसको धीरे धीरे साफ करो। गिव मी सम स्पेस, गिव मी सम टाइम, सो दैट आई कम आउट ऑफ दिस डार्कनेस एंड अंडरस्टैंड हु यू आर, एंड दैट माई यू नो मेन गोल ऑन दिस अर्थ इज टू गो बैक टू गॉड एंड is to come back to you। तो इसीलिए वो भगवान से कहते हैं, और अंतस की इस कालिख को स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। तो हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों को हायर कॉन्शियसनेस वाला भगवान ने जन्म दिया। एनिमल्स हमारी तरह नहीं सोच सकते, पर ह्यूमन बींग्स की कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोग इस दुनिया में मटीरियल सक्सेस अचीव करने के लिए आए, यू नो आई शुड हैव वन कार, आई शुड हैव वन बंगला, आई शुड हैव दिस, आई शुड हैव दैट। पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा सबक हमको जो यहाँ से सीखने को मिलता है कि हम एक्चुअली इन सब कामों के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं।
भगवान ने हमको हायर कॉन्शियसनेस वाला जन्म सिर्फ इसीलिए दिया सो दैट वी कैन गो बैक टू हिम. ऑन दैट नोट वी हैव दिस लिटिल प्रेयर फॉर यू ऑल, फॉर मी, फॉर अस, फॉर द एंटायर वर्ल्ड. मे ऑल बीइंग्स बी कंप्लीटली फिल विद पीस. मे देयर बी ट्रू हार्मनी अराउंड अस. मे ऑल हार्ट्स दैट आर फिल्ड विद एंगर और एनवी become completely pacified. And when our hearts turn towards that supreme being, that supreme person, may there be true harmony, and we can understand that we are one family. And we invoke this prayer by saying, Hari Om Tat Sat, that there is only one name, that is the name of the super transcendental, the eternal, who is all truth, who is all knowledge, who is all bliss. Thank you so much for joining me here. Happy Deepavali. Deepavali ki hardik shubhkamnaye. Is Deepavali apne ghar mein diye jalane ke saath saath apne dilo ke diye jalana na bhuliyega. Thank you so much for joining me. Thank you. May God bless us all. Thank you.